सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं शुभकर्ण, असिस्टेंट प्रोफेसर EAFM, श्री राधेश्याम आर मुरारका, गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज के ई व्याख्यान में BCOM पार्ट 3rd ईयर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पुस्तक वित्तीय प्रबंध के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत यूनिट प्रथम में आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से यूनिट प्रथम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में यूनिट प्रथम के अंतर्गत 2 प्रश्न थ्योरी के आते हैं, जिसमें 1 प्रश्न आपको करना होता है प्रत्येक यूनिट में से 1 प्रश्न करते हुए। कुल 5 प्रश्न आपको करने होते हैं, जिसमें 1 प्रश्न 20 नंबर का होता है। प्रथम यूनिट के अंतर्गत हम वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वित्तीय प्रबंध की क्या परिभाषा है, क्या उसके क्षेत्र हैं, क्या महत्व है, क्या उसकी लिमिटेशन सीमाएं हैं, क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइबिलिटीज़ हैं, दायित्वों के बारे में। मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण में वित्तीय स्टेटमेंट क्या है, जिसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, आय विवरण, चिट्ठा, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, उसकी विधियां और वित्तीय विश्लेषण के बारे में यूनिट प्रथम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षा में 2 प्रश्न आते हैं। दोनों थ्योरेटिकल पोर्शन के आते हैं, जिसमें आपको 1 प्रश्न अटेम्प्ट करना होता है। आज के ई व्याख्यान में हम जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वित्तीय प्रबंध क्या है, डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उद्देश्य हैं, उसके क्षेत्र, महत्व एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए, इस प्रकार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। कई बार वित्तीय प्रबंध के वित्तीय कार्यों का वर्णन कीजिए, यह क्वेश्चन भी आपके बनता है, जो आज इस व्याख्यान में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम प्रथम चैप्टर में वित्तीय प्रबंध क्या है, जैसा कि 2 शब्दों से बना है, वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध को जानने से पहले अपने को वित्त के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि वित्त क्या है, वित्त फाइनेंस, वित्त के बगैर न तो देखो अपने व्यवसाय कर सकते हैं, न को दैनिक दिनचर्या में काम में आने वाली वस्तुएं खरीद सकते हैं। इसलिए वित्त व्यवसाय का एक मूलाधार भी कहा जाता है, क्योंकि वित्त के बगैर व्यवसायिक संगठन हो, कंपनी हो, फर्म हो, साझेदारी संगठन हो,
इनको चलाने के लिए वित्त बहुत आवश्यक है। सामान्यतः अपन वित्त को चार भागों में बांटा गया है। पहला है सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, निजी वित्त, प्राइवेट फाइनेंस, संस्थागत वित्त, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, अंतर्राष्ट्रीय वित्त, इंटरनेशनल फाइनेंस। सार्वजनिक वित्त के बारे में अपन संक्षेप में जानें। सार्वजनिक वित्त पब्लिक फाइनेंस का तात्पर्य राजकीय वित्त से होता है। जो सार्वजनिक वित्त इस बात का अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न सार्वजनिक सत्ताएं किस प्रकार अपनी वित्तीय व्यवस्था करती हैं, जिसमें सार्वजनिक संस्थाओं में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय भी सम्मिलित होती हैं। ये इस प्रकार आय और व्यय को और ऋण संबंधी सिद्धांतों को अध्ययन करता है, जिसमें घाटे की वित्त की व्यवस्था भी सार्वजनिक वित्त के माध्यम से किया जाता है। दूसरा है निजी वित्त। निजी वित्त का तात्पर्य निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के वित्त से है, जिसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न व्यक्ति या निजी संस्थाएं किस प्रकार आय प्राप्त करती हैं, किस प्रकार उनका व्यय करती हैं। इसको भी मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत वित्त और भी इसके अनेक प्रकार के वित्त में पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। आगे अपन इसकी भूमिका का अध्ययन करने से पहले अब आते हैं मेन टॉपिक पे, वित्तीय प्रबंध का अर्थ और उसकी परिभाषा। जैसा कि आपको पूर्व में मैंने बताया कि वित्तीय प्रबंध का अर्थ, देखो वित्तीय प्रबंध मुख्य रूप से व्यवसायिक प्रबंध का एक क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत व्यवसाय की वित्तीय क्रियाओं एवं वित्त कार्य का कुशल संचालन किया जाता है। इसके लिए नियोजन, आवंटन, नियंत्रण आदि सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं, वित्तीय प्रबंध कहलाता है। सामान्य शब्दों में अपन पढ़ें कि वित्तीय प्रबंध उपक्रम के वित्त तथा वित्तीय क्रियाओं के सफल एवं कुशल प्रबंध के लिए जिम्मेदार होता है। यह कोई उच्च कोटि की लेखांकन एवं वित्तीय सूचना प्रणाली नहीं होता है। यह फर्म के वित्त तथा वित्त से संबंधित पहलुओं पर निर्णय करने तथा नीति निर्धारण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। दूसरे शब्दों में अपन कहें कि वित्तीय प्रबंध उपक्रम के व्यापक हितों का प्रतिनिधित्व करता है तथा यह संस्थाओं में विभिन्न प्रकार के क्रियाओं की देखरेख भी करता है, वित्तीय प्रबंध कहलाता है, जिसमें सही रूप से संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए वित्त का इस प्रकार से अनुमान, इस प्रकार से क्रियान्वयन करना है जिससे उपक्रम को लाभ मिले। परिभाषाओं में अपन अध्ययन करें। हार्वर्ड एवं उपटन के अनुसार वित्तीय प्रबंध नियोजन एवं नियंत्रण को वित्त कार्य पर लागू करना है, वित्तीय प्रबंध कहलाता है। और भी अनेक प्रकार की परिभाषाएँ हैं जिनमें अपन देखते हैं। वेस्टर्न एंड ब्राहिम के अनुसार वित्तीय प्रबंध वित्तीय निर्णय लेने की वह क्रिया है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों और उपक्रम के उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करती है। इस प्रकार से अपन निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का एक वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत व्यवसाय की वित्तीय क्रियाओं एवं वित्त कार्य का कुशल संचालन किया जाता है। इसके लिए नियोजन, आवंटन एवं नियंत्रण के कार्य भी किए जाते हैं, वित्तीय प्रबंध कहलाता है। आगे पन वित्तीय प्रबंध की प्रकृति, विशेषताएं, नेचर ऑफ करेक्टिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वित्तीय प्रबंध की प्रकृति व्यावसायिक प्रबंध में एक महत्वपूर्ण है, अतः इस वित्तीय प्रबंध की भूमिका भी महत्वपूर्ण बन गई है। इस प्रकार आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्त कार्य या वित्तीय प्रबंध की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है व्यवसाय प्रबंध का एक अभिन्न अंग है, एंड इंडिसिपेबल ऑर्गन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध का एक अभिन्न अंग माना जाता है क्योंकि वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा के प्रचलन के समय वित्तीय प्रबंधक को
व्यवसाय के प्रबंध में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है, परंतु आधुनिक व्यवसायिक प्रबंध में वित्तीय प्रबंध व्यवसायिक प्रबंध का एक प्रमुख अंग है तथा वित्तीय प्रबंधक उच्च प्रबंधक के सक्रिय सदस्य के रूप में एक भूमिका निभाता है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध में व्यवसायिक प्रबंध का एक अभिन्न अंग है। दूसरा है विशेषताओं सतत प्रक्रिया कंटिन्यूस प्रोसेस, यह कि सतत प्रक्रिया के रूप से भी भूमिका का निर्वहन करती है कि परंपरागत वित्तीय प्रबंध की धारणा के अंतर्गत वित्तीय प्रबंध की प्रक्रिया निरंतर नहीं चलती है, बल्कि प्रक्रिया कुछ विशिष्ट घटनाओं पर होने के कारण ये क्या होती है प्रोसेस में होती हैं। इस प्रकार ये एक सतत प्रक्रिया है। तीसरा है वर्णनात्मक कम तथा विश्लेषणात्मक अधिक, लेस डिस्क्रिप्टिव एंड मोर एनालिटिकल। ये वर्णनात्मक अधिक है, विश्लेषणात्मक है, वर्णन कम करती है जबकि विश्लेषणात्मक अधीन करती है, ये भी इसकी विशेषताओं में है। चौथा है लेखांकन कार्य से भिन्न, डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन, ये लेखांकन कार्य से बहुत अलग है, ये भी की विशेषताओं में सम्मिलित है। पांचवा है केंद्रीयकृत स्वभाव, सेंट्रलाइज नेचर ऑफ फाइनेंस फंक्शन, ये केंद्रीकृत स्वभाव के आधारित भी है क्योंकि इसमें कर्मचारी प्रबंध के कार्यों को विकेंद्रीकरण के आधार पर इसका क्रियान्वयन किया जाता है, वाइड इसका क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है, ये है। सातवा है उच्च प्रबंधकों में निर्णय में सहायक है, हेल्पफुल इन डिसीजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, हैं जो उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी तक निर्देश से संबंधी कार्यों में भी इसकी एक भूमिका है, ये भी एक विशेषता है। कार्य निष्पत्ति का मापक, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कार्य निष्पत्ति के मापक के रूप में भी ये एक परिभाषाओं के रूप में भूमिका का निर्वहन करती है जिसमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स परफॉर्मेंस आदि को आसानी से माप सकते हैं, जिसके आधार पर संस्था अपनी लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी फंक्शन के आधार पर उसका क्रियान्वयन किया जाता है। तरलता और लाभदायकता के कार्यों को पूरा करता है। नवा है उपक्रम के अन्य विभागों से समन्वय आवश्यक, कोऑर्डिनेशन विथ अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ इंटरप्राइज, समन्वय के अन्य उपक्रम के अन्य विभागों से भी इनका समन्वय है, ये भी एक वित्तीय नियोजन एवं नियंत्रण अनुवर्तन, फाइनेंशियल प्लानिंग कंट्रोल एंड फॉलोअप, ये वित्तीय नियोजन एंड नियंत्रण से संबंधी भी है जिसमें बजट है, उस पर कंट्रोल है, फीडबैक आदि कार्य इसमें क्रियान्वित होते हैं। लास्ट है सभी प्रकार के संगठनों पर लागू है, ये सभी प्रकार के संगठन हैं उस पर ये लागू है जिसमें इकाई एकाकी स्वामित्व है, निगमित संगठन, गैर लाभकारी संगठन आदि क्रियाओं पर लागू है। इनकी विशेषताएं हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अगला अपन अध्ययन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो जैसे वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों में अपन करें कि वित्तीय प्रबंध का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसमें अपन देखने को मिले तो वित्तीय प्रबंध को अपन कहें कि उपक्रम के लिए तरल व लाभदायक वित्त की व्यवस्था करना होता है, जिसमें विस्तृत रूप से देखने वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य फर्म के उद्देश्यों की प्राप्ति को अधिकतम सहायता पहुँचाना, मतलब अधिकतम लाभ अधिकतम संपत्ति उनको आधार पर करना। इसलिए एक संगठन को वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों में लाभ को अधिकतम करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ को अधिकतम करने किस प्रकार से अर्जित किया जाए, क्योंकि परंपरागत रूप से व्यवसाय को एक आर्थिक संस्था माना जाता है, इस संस्था के कुशलता को जांचने के लिए लाभ को एक अच्छा प्रमाण माना गया है। इसलिए व्यवसाय का एक प्राकृतिक उद्देश्य है कि लाभ अधिकतम या लाभ अर्जित करें। इसके अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करने से पहले इसके पक्ष में तर्क हैं कि लाभ अधिकतम करना विवेक पर आधारित है, आर्थिक कुशलता का सूचक है, साधनों का कुशल आवंटन उपयोग है, व्यवसाय के निर्णयों की सफलता का मापक है, प्रेरणा का स्रोत माना जाता है, सामाजिक लाभ को अधिकतम करना माना जाता है, ये अनेक प्रकार की हैं। दूसरा है संपदा के मूल्य को अधिकतम करने का सिद्धांत, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ प्रिंसिपल, संपदा असेट्स को किस प्रकार से अपने को करना है इम्प्रूव, क्योंकि जब लाभ को अधिकतम करने के स्थान पर संपदा के मूल्य को अधिकतम करना व्यवसाय का मूल उद्देश्य माना जाता है, क्योंकि वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य भी फर्म की
संपदा के मूल्य को अधिकतम करना होता है, क्योंकि फर्म हो, कंपनी हो, जो भी है, उसमें अपने असेट्स में वृद्धि करेंगे। किस प्रकार से वृद्धि करें, ये इसके मुख्य रूप से दो उद्देश्यों के रूप में भूमिका का निर्वहन करता है। आगे अपन अध्ययन करेंगे वित्तीय प्रबंध के कार्य, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या वित्त के कार्य या वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र, बात एक ही है, जो कि एग्ज़ाम में आपको अलग से भी इनको पूछते हैं कि वित्तीय प्रबंध के कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ फाइनेंस, एंड वित्तीय प्रबंध के स्कोप या क्षेत्र क्या है, बात एक ही है। देखो, वित्तीय प्रबंध में एक व्यवसायिक उपक्रम में वित्तीय प्रबंध को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं, जिनमें वित्त के कार्यों के रूप में जाना जाता है, जिसमें वित्तीय प्रबंध के कार्यों को दूसरे नामों से वित्तीय विशेषज्ञ एक मत नहीं है, फिर भी अपन ने इसका अध्ययन करें। वित्तीय प्रबंध के कार्यों में पहला आता है प्राथमिक एवं प्रशासनिक कार्य। प्राथमिक कार्यों में कोषों का नियोजन, प्लानिंग ऑफ फंड, क्योंकि फंड कहाँ से अपने को करना है, कोषों का नियोजन किस प्रकार करना है। दूसरा, कोषों का संग्रहण, राइजिंग ऑफ फंड्स, कोषों का किस प्रकार से संग्रहण करें, कहाँ से कलेक्शन करें। कोषों का आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कोष को किस प्रकार से अलॉटमेंट करें, ये हैं इसके प्रशासनिक है। आगे आय का आवंटन, अलोकेशन ऑफ इनकम, आय है उनका अलोकेशन आवंटन किस प्रकार से करें, कोषों पर कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल ऑफ फंड्स, फर्म के अन्य विभागों से समन्वय किस प्रकार से निर्धारित करें, ये भी है। अगला है यदा कदा किए जाने वाले कार्य किस प्रकार से करें, तो ये तो अपने इसमें इसके क्षेत्र कार्य वित्त हैं। अगला है नैतिक कार्य, दैनिक कार्य। नैतिक कार्य दैनिक कार्यों में दैनिक प्रवृत्ति के होते हैं, जिसमें लेखाकार, रोकड़ या लिपिक आदि के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें रोकड़ प्राप्ति, उसके विवरण का प्रवेक्षण, रोकड़ शेषों का व्यवस्थित एवं सुरक्षित रखना, उधार के व्यवहारों का प्रबंध करना, प्रत्येक व्यवहार को लेखों और उसके लेखों को किस प्रकार सुरक्षित करना, पेंशन कल्याण योजनाओं का प्रशासन किस प्रकार करना, राज्य के नियमों का पालन किस प्रकार करना, तो इस प्रकार ये कार्य हैं। अगला टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, वित्तीय प्रबंध का महत्व है। देखो, वित्तीय इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध के महत्व में व्यावसायिक संगठनों में वित्तीय प्रबंध का महत्व 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्षों में बहुत अधिक बढ़ गया है, जिसमें वित्तीय प्रबंध के महत्वों में मुख्य रूप से सम्मिलित है। एक तो है उपक्रम की सफलता का आधार, बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ इंटरप्राइजेज, कि उपक्रम की सफलता का आधार क्या है। देखो, उपक्रम है, फर्म है, उनका आधार ही वित्त है, तो एक तो ये है। साधनों का अनुकूलतम आवंटन उपयोग, साधनों का किस प्रकार से अपन आवंटन करना है, जैसे वित्त आया उसको किस प्रकार से अलॉटमेंट करना है, किस प्रकार से उनका यूटिलाइज करना है, ये है। निर्णय का केंद्र बिंदु, सेंट्रल फोकल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन निर्णय किस प्रकार से किया जाता है, उसका केंद्र बिंदु कहाँ माने, जिसमें प्रबंधक सही तरीके से निर्णय ले सके। आगे है कार्य निष्पत्तियों कुशलता का मापन, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, कार्य की निष्पत्तियों कुशलता का मापन किस प्रकार से किया जाए, ये भी उसका महत्व है। आगे है राष्ट्रीय नियोजन समन्वय एवं नियंत्रण आधार, बेसिस ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, किस प्रकार से उसकी प्लानिंग करनी है, कोऑर्डिनेशन करना है, किस प्रकार कंट्रोल करना है फाइनेंस का, यह है। नेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्र के हित के लिए क्या है उसका महत्व है, जिसमें करोड़ों रुपये का निवेश होता है तो देश की GDP रेट बढ़ेगी, देश कुशल होगा, समृद्ध होगा, ये भी इसकी इम्पोर्टेंस में है माना जाता है। सातवां है व्यवसायिक प्रबंधकों के लिए उपयोगिता, यूजफुल ऑफ बिजनेस मैनेजर्स, जो व्यवसाय में जो प्रबंधक है उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। अगला आठवां है अंशधारियों के लिए उपयोगिता, यूजफुल ऑफ शेयर होल्डर्स, अंशधारियों के लिए भी वित्त बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, जिसमें आर्थिक स्थिति की कंपनी का मूल्यांकन आसानी से अपन कर सकते हैं। विनियोक्ताओं के लिए उपयोगिता, यूजफुल ऑफ इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फाइनेंस के इन्वेस्ट भी नहीं हो सकता, जिसमें अंशों का सही रूप से विनियोजित और प्रतिभूतियों विक्रेताओं दलालों पर यह निर्भर करता है, तो नियोक्ता इन्वेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है वित्तीय संस्थाओं के लिए उपयोगिता, जिसमें विनियोग बैंक, व्यापारिक बैंक, प्रन्यास कंपनियां, अनेक प्रकार की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य व्यक्तियों के लिए उपयोगिता, ये भी है, अन्य व्यक्तियों के, यूजफुल फॉर अदर, जो भी अन्य व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें अन्य व्यक्तियों में राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्री, वाणिज्य
ये सम्मिलित है। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण, वित्तीय प्रबंध की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध की सीमाओं के बारे में अपन अध्ययन करने से पहले देखो, सीमाओं में वित्तीय प्रबंध का अत्यधिक महत्व होते हैं, उनकी कुछ सीमाओं को भी ध्यान में रखा जाता है, जिसमें पहला है विविध प्रबंधकीय निर्णयों के वित्तीय प्रभाव जानना कठिन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो द फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ वेरियस मैनेजरियल डिसीजन। एक संस्था के प्रबंध में जितने कार्यात्मक क्षेत्र हैं उन सब के निर्णय वित्तीय प्रभाव रखते हैं, अतः वित्तीय प्रबंध के सभी कार्यात्मक प्रबंधकीय निर्णयों के प्रभावों को जानना और उन पर समन्वय स्थापित करना भी एक कठिन कार्य होता है। तो ये भी एक प्रबंधकीय डिसीजन है, उनको जानना बहुत कठिन है। अगला है वित्तीय लेखों पर निर्भर, मुख्य रूप से वित्तीय प्रबंध है बेस्ड ऑन फाइनेंशियल रिकॉर्ड। वित्तीय प्रबंध के लिए वित्तीय विश्लेषण एक तरह से लेखों पर निर्भर है, जो कि भूतकाल से संबंधित होते हैं, जो कि परंपराओं नीतियों को प्रभावित करते हैं, तो इसलिए भी एक सीमाओं में माना जाता है। अगला है संबंधित विषयों की कम जानकारी। वित्तीय प्रबंध का सही उद्देश्य तभी प्राप्त होता है जिसमें सभी प्रकार के विषय जैसे प्रबंध, लेखांकन, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, स्टैटिक, इकोनॉमिक्स है ना, इनकी अच्छी जानकारी हो, क्योंकि इसके अभाव में उच्च प्रबंधक सही निर्णय नहीं ले पाएगा, इसलिए इसका जानना, प्रभाव जानना सक्षम नहीं होगा। वस्तुनिष्ठता का अभाव, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, इसकी जो वस्तुनिष्ठता है वो सही नहीं है, पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं है, क्योंकि वित्तीय प्रबंध के निर्णय वित्तीय प्रबंधकों की व्यक्तिगत विचारों एवं भावनाओं पर प्रभावित होते हैं, और जब इनकी मात्रा अधिक होती है तो वित्तीय निर्णय संस्था के लिए अच्छे परिणाम कम और बुरे परिणाम अधिक प्रदान होते हैं। अगला है विकासशील व्यय, डेवलपिंग सब्जेक्ट। वित्तीय प्रबंध पूर्ण रूप से विकसित विषय नहीं है, क्योंकि अभी इनका विकास हो रहा है, अनेक विचारों एवं धारणाओं के बारे में विशेषज्ञ एकमत नहीं है। वित्तीय विश्लेषण एवं निर्वचन का प्रमाप भी बदल रहे हैं। अगला है व्ययशील, एक्सपेंसिव। एक प्रभावशाली वित्तीय प्रबंध का संगठन खड़ा करना बहुत ही बड़ा महंगा कार्य है, अतः छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस भार को वहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वित्तीय अधिकारी योग्य एवं कुशल होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई संस्था योग्यता और कुशलता से समझौता करके घटिया संगठन और निर्मित करती है तो उसके परिणाम भी बहुत बुरे होते हैं। तो ये हमने आज वित्तीय प्रबंध का अर्थ, उसकी विशेषताएं, वित्तीय प्रबंध के कार्य क्षेत्र, महत्व और सीमाओं का संक्षेप में अपने अध्ययन किया, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आपके थ्योरी में इसमें आता है, प्रथम यूनिट में बीकॉम पार्ट तक के थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगले ई व्याख्यान में हम पढ़ेंगे वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे वित्तीय प्रबंध के जो टास्क हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर क्या है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर वित्तीय प्रबंध की तकनीकें कौन कौन सी हैं और किस प्रकार के उनके स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।